हेलो डियर फ्रेंड्स, वंदे मातरम। वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ दी थर्मोडायनेमिक्स। दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स के एक नए इस नए लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी फॉर पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जैसे कल बात हुई थी, कल के लेक्चर के अकॉर्डिंग और आज के लेक्चर को मर्ज करते हुए यहाँ पे दोस्तों हॉटस्पॉट खिचड़ी बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। सो यू नीड टू मोर कॉन्सेंट्रेशन ओवर हियर। अभी दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी है, दिस आर दी पोर्शन फॉर दी NCERT एग्जाम ऑल्सो। ये NCERT एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है एज पर एज रूल। सो यहाँ पे दोस्तों पहले एंथैल्पीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अलग अलग रिएक्शन के लिए एंथैल्पी। फर्स्ट पोर्शन इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबंशन। आपको याद होगा कल के लेक्चर में एक पॉइंट आया था जब मैंने कंबंशन एंथैल्पी पर वन मोल के लिए बताया था। दोस्तों जैसे सभी घर में इन जनरल कुकिंग गैस कौन सा यूज़ होता है, प्रोपेन ब्यूटेन मिक्सर, और उसमें मेजोरिटी पार्शन होता है ब्यूटेन का। इफ़ वी कंबंश देट ब्यूटेन, वो ब्यूटेन को अगर कंबंशन करें तो वहाँ से एनर्जी जनरेट होगी और फ्रॉम दैट एनर्जी हम क्या करते हैं, हमारा खाना पकाते और खाते हैं। सो कंबंशन एंथैल्पी और स्टैंडर्ड कंबंशन एंथैल्पी, उसके लिए दोस्तों जो सिंबल है दैट इज डेल्टा एच, स्टैंडर्ड फॉर डेल्टा एच नॉट, दिस सी इज इंडिकेट कंबंशन और कंबंशन। हियर इफ वन मोल ऑफ C4H10 इज नथिंग बट दी ब्यूटेन, आई रिपीट C4H10 इज नथिंग बट दी ब्यूटेन, इज हिट बाय ऑक्सीजन 13/2 ऑक्सीजन, O2 गैस गिव्स 4CO2 गैस 5H2 फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। अगर दोस्तों यहाँ पे हम इसका कंबंशन करते हैं तो कितनी एनर्जी जनरेट होगी, दी जनरेट एनर्जी और दी रिएक्शन एनर्जी और दी रिएक्शन एंथैल्पी इज डेल्टा RH इज इक्वल टू डेल्टा CH इज इक्वल टू -2658 किलो जूल पर वन मोल। दोस्तों वन मोल है यहाँ पे, किलो जूल इंटू मोल इनवर्स लिखो या किलो जूल पर वन मोल लिखो, दैट इज अप टू मोल ऑफ दी मेन रिएक्टेंट। यहाँ पे हम कंबंशन किसका कर रहे हैं, ब्यूटेन का, दैट्स वाई इंटू अपॉन वन मोल। अगर यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करें ऑल रिएक्शन, तब इसको कंबंशन एंथैल्पी नहीं कह सकते। यस, रिएक्शन एंथैल्पी इज देयर और इसकी वैल्यू क्या होगी, डबल देन दिस पर्टिकुलर गिवन वैल्यू। ओके, अगर दोस्तों यही इसी एनर्जी को रिएक्शन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग आपको देखना है जो कल पढ़ा था, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। सपोज हम यहाँ पे दोस्तों ब्यूटेन की जगह पे किसी और कंपाउंड को कंबज करें, सपोज C6H12O2 विच इज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्लस CO2, C6H12O2 प्लस CO2, वी विल गेट 6CO2 प्लस H2O। जनरल केस में दोस्तों हमारी बॉडी में ये रिएक्शन होती है और वहाँ से दोस्तों क्या होता है, CO2 जनरेट होता है विच इज़ यूजफुल फॉर दी एनवायरनमेंट, यूजफुल फॉर दी ट्रीज नॉट एनवायरनमेंट। उसके लिए तो ये जितनी क्वांटिटी CO2 की बढ़ेगी एनवायरनमेंट के लिए दोस्तों नुकसान ही है, क्योंकि ट्रीज हम कट कर रहे जा रहे हैं। ओके, बाद में उसी की भी बात करेंगे, नाउ नॉट अ पार्ट ऑफ अवर टॉपिक। C6H12O6 प्लस 6O2 वी विल गेट 6CO2 गैस प्लस 6H2। दोस्तों पर्टिकुलर इस रिएक्शन से वन मोल ऑफ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, वहाँ से हमको क्या मिलेगा, कितनी एनर्जी मिलेगी, 2802 किलो जूल पर वन मोल, पर वन मोल। सो डेल्टा CH याद रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में रिएक्टेंट को जब आप कंबस करते हो तभी, अगर दोस्तों ये रिएक्शन को एक्चुअल में हम, दिस इज द बैलेंस रिएक्शन, इसको एक्चुअल में बैलेंस करें तो इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 2 × C4H10 13O2 8CO2 10H2। सो यहाँ पे दोस्तों 2 मोल ऑफ ब्यूटेन बनेगा, इसको 2 से डिवाइड करके लिखा है बिकॉज हमको पर वन मोल ही चाहिए थी। इसके लिए साथ में सेंटेंस क्या ऐड कर सकते हो, अगर राइटिंग एग्जाम में 2 मार्क का ये क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हो, 1 या 2 इक्वेशन याद रखो और वही इक्वेशन के साथ आप क्या कर दो, सेंटेंस याद रखो। ओके, वन मोर थिंग सर, कई बार यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है फ्रॉम दी बिगिनिंग और ईच एंड एवरी एग्जाम्पल सभी के लिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू, वेदर इट इज़ कंबंशन और वेदर इट इज़ रिएक्शन और फॉर्मेशन और एक्सेट्रा, तो ये सभी वैल्यूज हमको याद रखनी है। यू हैव टू ट्राई टू रिमेंबर, पॉसिबल है, वेल एंड गुड। अगर दोस्तों ये सभी वैल्यू आप याद नहीं रख सकते सो उसके लिए ज़्यादा वरी नहीं करनी, सभी वैल्यू को मगअप करने की ट्राई भी नहीं करनी है। अगर याद रहती है, आई रिपीट, वेल एंड गुड। H2O, CO2, बेंजीन
ये सभी दोस्तों ऐसे एग्जाम्पल है जो रूटीन में है, उसको रिपीट एंड रिपीट पढ़ना है, सो उसकी एटलीस्ट याद होनी चाहिए ग्रेफाइट। बट अगर इस तरह के एग्जाम्पल है तो आपको ये एग्जाम्पल याद है, दैट इज़ इनफ। नेगेटिव है या पॉजिटिव है, दैट इज़ इनफ। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप कोई भी वैल्यू, मतलब माइनस एक्स किलो जूल पर मोल, माइनस वाई किलो जूल पर मोल लिख सकते हो। आपको इतना ही बताना है दैट कंबंशन रिएक्शन और 99.99 कंबंशन रिएक्शन आर एक्सोथर्म, तभी तो उसको हम कंबंशन बोलते हैं, वहाँ से एनर्जी जनरेट होगी और वो एनर्जी हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। आफ्टर दिस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबंशन और कंबंशन एंथैल्पी, कंबंशेशन एंथैल्पी सॉरी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एटम एक गैसियस एटम में कन्वर्ट करने की एंथैल्पी, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये दोनों आपको इक्वली लगेगी, बॉन्ड एंथैल्पी एंड द एटोमाइजेशन एंथैल्पी। लेट अस सपोज वी हैव वन मोल H2 गैस, वन मोल H2 गैस में से टू हाइड्रोजन गैस चाहिए। हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टू एच प्लस और टू एच माइनस और वन एच प्लस एंड वन एच माइनस। H2 गैस में से H2 हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल चाहिए, वन सिंगल एटम चाहिए हाइड्रोजन एटम। उसके लिए दोस्तों जो एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज हियर देर इज नो नेगेटिव सिंबल, इट मीन्स सिंबल इज पॉजिटिव, इट मीन्स दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। यहाँ से दोस्तों हम कुछ एनर्जी इम्प्लांट करेंगे तब जाके हमको ये मिलेगा, इट मीन्स वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन दिस बॉन्ड। और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, दैट एनर्जी इज नोन एज अ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सो हम ये कहते हैं दोस्तों इस दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन। ये बात हुई डायएटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। इफ यू टॉकिंग अबाउट H2Cl2O2 जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड है उसके लिए, सपोज दोस्तों इफ यू हैव पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल जहाँ नंबर ऑफ एटम क्या है, एक से ज़्यादा है, दो से ज़्यादा है सॉरी, और फिर वहाँ पे भी बॉन्ड कौन सा है, अगेन कोवेलेंट बॉन्ड इज देयर। अगर दोस्तों यहाँ पे भी हमको सिमिलर केस में बॉन्ड ब्रेक करना है, एटम लेना है, सपोज कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालो, दूसरा तीसरा चौथा, तो हमको क्या मिलता है, CH4 गिव्स CH+ और हाइड्रोजन गैस। और ये फोर हाइड्रोजन एटम को अलग करने के लिए जो एंथैल्पी देनी पड़ेगी, जो एनर्जी इम्प्लांट करनी पड़ेगी, दैट इज 1665 किलो जूल पर वन मोल और दी वन मोल CH4। ये भी दोस्तों बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ही है, एक कार्बन एटम के साथ, आई रिपीट, विद दी वन कार्बन एटम फोर हाइड्रोजन एटम्स आर देयर। एक को निकालो उसके लिए कुछ एनर्जी दो, दूसरे को निकालो उसके लिए दो, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, सभी के लिए जो एनर्जी हो स्लाइट डिफर, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होगी दोस्तों। अभी हम क्या कह सकते हैं, उन सबका अगर मीन ले, दैट इज द मीन वैल्यू, सॉरी सबका मीन ले, तो हम ये कह सकते हैं दिस इज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एज पर इज हैस रूल। यहाँ पे क्या किया है, कार्बन हाइड्रोजन एक अलग किया, दूसरा तीसरा चौथा, सबके लिए जो एनर्जी हमको देनी पड़ी उन सबका सम लिया, दैट इज टोटल, और वी कैन से कॉन्स्टेंट एंथैल्पी डेल्टा H0 दैट इज 1665 किलो जूल पर मोल। सो अभी आपको ये पता होना चाहिए ये किसके लिए है। टोटल चार स्टेप में दोस्तों हम हाइड्रोजन निकालेंगे उसके लिए। यहाँ पे आप ठीक से देखो, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन CH4 2 हाइड्रोजन, ये गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। और उसके अलावा दोस्तों और एक चीज़ देखो, यार कोवेलेंट बॉन्ड है। सपोज वी हैव दिस टाइप्स ऑफ मेटल, उसको दोस्तों हीट करके डायरेक्टली अगर गैस फॉर्म में ले आता है, एक्चुअली दिस रिएक्शन इज सब्लिमेशन रिएक्शन सॉलिड टू गैस। अगर सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में लेके जाना है, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 108 किलो जूल पर मोल। अगेन दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ये भी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, सभी की सभी रिएक्शन एंडोथर्मिक ही थी। इसको दोस्तों हम एटोमिक सॉरी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कह सकते हैं, बिकॉज हमने वन मोल और कैन से वन मोल सोडियम सॉलिड से वन मोल सोडियम गैस एटम डिराइव किया, दैट्स वाई दिस एंथैल्पी इज नोन एज द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड ऑल्सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एक्चुअली। ओके देन बॉन्ड एंथैल्पी,
बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बॉन्ड वन मोल कंपाउंड में से बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट एनर्जी इज नॉन एज अ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड एंथैल्पी। ये बॉन्ड एंथैल्पी एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड हो सकती है, ऐसे मोलेक्यूल के लिए जब डायएटोमिक है, ऐसे मोलेक्यूल के लिए जो डायएटोमिक है, उसके साथ ऐसे मोलेक्यूल के लिए जो पॉलीएटोमिक है। हम दोस्तों बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, किसको, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को, बट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को बॉन्ड एंथैल्पी में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्यों आगे पता चलेगा। चलो पहले दोस्तों बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी विच इज फॉर द डायएटोमिक मॉलिक्यूल, देन मेन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और मेन बॉन्ड एंथैल्पी विच इज फॉर द पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल। सपोज वी हैव एच टू गैस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करो यू विल गेट टू हाइड्रोजन गैस, दैट इज एक्चुअली डेल्टा बॉन्ड एच, बट यहाँ पे दोस्तों एच डैश एच लिखा है, मीन्स हम ये इंडिकेट कर रहे दैट हमने यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया, दैट्स वाई एच एस बॉन्ड विच इज 435 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स और किलो जूल पर मोल, आपने यहाँ पे कुछ पढ़ा था 435। सो यही बॉन्ड ब्रेक किया और हमने दो हाइड्रोजन मोलिक्यूल किया। सपोज वी हैव सी एल टू, सिमिलर टू सी एल गैस, ये सी एल टू गैस में से टू सी एल गैस के लिए हमने कितनी एनर्जी देनी पड़ी, 242 किलो जूल पर वन मोल। सिमिलर विथ ओ टू के लिए ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन गैस, ओ डबल बॉन्ड ओ एच, दैट इज 428 किलो जूल पर मोल। सो अभी आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पर्टिकुलर फॉर द डायएटोमिक मॉलिक्यूल पता चला। सो ये दोनों एक है बट ये दोनों एक नहीं है, जो मैं बात कर रहे थे एक को इंक्लूड कर सकते हैं दूसरे को क्यों नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट अ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बट दिस इज ऑल्सो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सो इसको इंक्लूड कर सकते हैं, इसको अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। ये बात हुई दोस्तों डायएटोमिक मॉलिक्यूल की, व्हाट इफ पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल्स आर देयर, देन व्हाट कैन वी डू। सी फॉर द पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल्स दैट इज मेन, वहाँ पे मेन लेना पड़ेगा। सपोज सी एच फोर गैस, वहाँ से हमको बाई द हीटिंग कार्बन प्लस हाइड्रोजन फोर हाइड्रोजन गैस मिल रहे, तो उसके लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ी, ओवरऑल एनर्जी फॉर वन मोल सी एच फोर जो देनी पड़ी दैट इज 1665। बट ये चारों के चारों बॉन्ड, ये यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज देयर, वन टू थ्री एंड फोर, दिस एनर्जी और दिस एंथैल्पी इज फॉर दी ऑल फोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये चारों के लिए। अगर दोस्तों रिपीट, अगर यहाँ पे हमको मीन चाहिए, मतलब आई मीन टू से हमको चाहिए कार्बन हाइड्रोजन डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमको कार्बन हाइड्रोजन डिसोसिएशन एंथैल्पी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन चारों का सम करना पड़ेगा। कार्बन हाइड्रोजन दैट इज 427, कार्बन हाइड्रोजन सेकंड 439, कार्बन हाइड्रोजन थर्ड 452 एंड फोर 347। सो क्या मिला सम, दैट इज 1665 डिवाइडेड बाय फोर। अब चार से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बट कौन सी मीन, उन चारों का मीन मिलेगा। सिंपल कैसे लिख सकते हैं उसके लिए आपको पीडीएफ मिलेगी, बट क्लियरली आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए। अगर यहाँ पे दोस्तों मेरे को कार्बन हाइड्रोजन डिसोसिएशन एंथैल्पी चाहिए पर्टिकुलर इन दी सी एच फोर, जहाँ पे टोटल चार कार्बन हाइड्रोजन डिसोसिएशन बॉन्ड है, सो एक्चुअली वहाँ पे फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंथैल्पीज आर देयर। सो पर्टिकुलर एक ही वैल्यू अगर लिखनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उन चारों का मीन लेना पड़ेगा जो अभी हमने देखा। सपोज ओवरऑल बॉन्ड एनर्जी चाहिए टोटल चारों के चारों बॉन्ड के लिए, तो आप ये लिख सकते हो, अगर मीन चाहिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो आपको यही वैल्यू लिखनी पड़ेगी। सपोज ये हुआ हमारे पास मीथेन, सपोज हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है, सी हाइड्रोजन 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 सी सी एल हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी चारों मतलब पांच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, पांचों का अगर आप मेन लोगे
उसकी मेन वैल्यू एग्जैक्टली जो यहाँ पे मेन है 1665/4 उतनी ही होगी, दैट इज नॉट कंपल्सरी, स्लाइट डिफर डिफरेंट होगा बट दैट डिफरेंट इज स्लाइट, वहाँ पे इतना ज़्यादा गैप नहीं मिलेगा, दैट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी पर्टिकुलर इन द मीथेन इज दिस मच एंड द क्लोरोइथेन इज दिस मच, दैट इज नॉट पॉसिबल, वहाँ पे डिफरेंस होगा दोस्तों बट दैट डिफरेंस इज स्मॉलर, और डिफरेंस कैसा होगा, स्मॉल होगा इन वेरी लेस क्वांटिटी. सो दिस इज ऑल अबाउट बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एज वेल एज मीन बॉन्ड एंथैल्पी. नाउ एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन, दोस्तों ये एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझने के लिए बहुत अच्छा है. कहीं सारे एमसीक्यू फ्रॉम द चैप्टर नंबर फोर के बहुत सारे एमसीक्यू है जिसमें सॉल्वेशन का एमसीक्यू आते हैं, उसको भी आप यहाँ से इजीली समझ पाओगे. देर इज़ वन मोर इम्पोर्टेंट टर्म बोन एबर साइकिल, उसकी भी बात हो जाएगी. और ये एंथैल्पी से पूरा हमको ये भी समझ में आएगा कि ये तो कोवेलेंट कंपाउंड थे, अगर आयोनिक कंपाउंड हुए और उसको हम उसका सॉल्यूशन बनाते, मेनली आयोनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन हम वाटर में ही बनाते हैं. सो एट दैट टाइम एक्चुअली व्हाट टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर देयर, सपोज आप पानी के अंदर अगर सम सॉल्ट कुछ सॉल्ट अगर डालते हो, इट मीन्स NaCl, KCl, KBr, इसमें से अगर कोई सॉल्ट आप डाल रहे हो इन दी वाटर, वो डिजोल्व हो जाएगी. बट कई बार ऐसा होगा दोस्तों, आप कुछ अलग सॉल्ट डालते हो तो कई बार वो डिजोल्व नहीं होगी. ऐसा क्यों, ये भी पर्टिकुलर फ्रॉम दिस टॉपिक क्लियर होगा. बट बिफोर दैट, जहाँ पे भी दोस्तों, जहाँ पे भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस मीन्स सेल्फ, आपको ना करनी पड़े, खुद से हो जाए, और रिएक्शन की बात करें मेजोरिटी केस में और रिएक्शन की ओवरऑल एंथैल्पी नेगेटिव होगी, इट मीन्स रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी. सो मेजोरिटी केस में हम ये कह सकते हैं, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है अपने आप हो रही है, इट मीन्स वहाँ पे क्या हो सकता है, उसकी ओवरऑल एंथैल्पी नेगेटिव हो सकती है. ये सेंटेंस थोड़ी देर के लिए याद रखना है. एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन से पहले दोस्तों, सॉल्यूशन एंथैल्पी से पहले हम लेटिस एंथैल्पी जरा याद कर रहे, जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है चैप्टर नंबर फोर में, दोस्तों मैंने इसके बारे में आपको बताया था दैट अगर दोस्तों मेरे पास 1 मोल सोडियम सॉलिड है, 1 मोल सोडियम सॉलिड एंड आई हैव 1 मोल 1.5 मोल Cl2 गैस, और इससे मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, NaCl सॉलिड. 1 मोल सोडियम सॉलिड प्लस 1.5 Cl2 गैस, इट विल गिव्स NaCl सॉलिड, 1 मोल सोडियम क्लोराइड. सो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस रिएक्शन इज नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है. यहाँ से दोस्तों मोर देन 2 स्टेप्स यहाँ पे अवेलेबल है. सो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन कैलकुलेट करनी है, देन वी हैव टू यूज हेज रूल ऑफ कांस्टेंट, क्योंकि हेज रूल में हमको ये पता चला अगर एक से ज़्यादा स्टेप है तो सबका सम ओवरऑल एंथैल्पी हो सकती है. सो पहले दोस्तों हम ना ही लेटिस एंथैल्पी की बात कर रहे और ना ही एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन और सॉल्वेशन एंथैल्पी की बात कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट बोन हैबर साइकिल. दैट इज बोन हैबर साइकिल वन इंपॉर्टेंट टर्म. फ्रॉम द बोन हैबर साइकिल ऑफ NaCl हम ये समझने की ट्राई करेंगे दैट NaCl कैसे बनता, जो एक बार ऑलरेडी हमने पढ़ा था. सो NaCl ऐसे नहीं बनेगा, सोडियम सॉलिड प्लस 1.5 Cl2 गैस से नहीं बनेगा दोस्तों. उसके लिए जो टर्म है, फर्स्ट ऑफ ऑल NaCl सॉलिड कन्वर्ट इनटू Na गैस, पहली चीज़ क्या होगी, सोडियम सॉलिड सोडियम गैस में कन्वर्ट होगा, एक्चुअली दैट इज एटोमाइजेशन, आप उसको सब्लिमेशन भी बोल सकते हो. सो फर्स्ट स्टेप सब्लिमेशन ऑफ द सोडियम. सो सब्लिमेशन सोडियम का हो रहा है विच इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, इट मीन्स यहाँ पे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी. सो सब्लिमेशन ऑफ सोडियम उसकी एनर्जी कितनी है, दैट इज 108 ही है दोस्तों, 0.4 आप लिखो या ना लिखो उससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, नियर अबाउट 108 किलो जूल पर मोल. चलो ये हुआ सोडियम का सब्लिमेशन. अगर सब्लिमाइज सोडियम आई मीन उसे 1 मोल सोडियम सॉलिड टू 1 मोल गैस मिला और उसके बाद डायरेक्टली NaCl मिलेगा, नहीं. देन Cl2 गैस डिकम्पोज इंटू Cl2Cl, और वी कैन से Cl2 गैस से क्या होगा, उसका एटोमाइजेशन, बॉन्ड टूटेगा. Cl2 गैस गिव्स 2Cl
Cl-Cl, उसके लिए एंथैल्पी 242 किलो जूल पर 1 मोल ऑफ Cl2। अगर इन टर्म्स ऑफ एटोमाइजेशन देखना है तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को हम एटोमाइजेशन भी बोल सकते हैं, इंक्लूडेड यहाँ पे दोस्तों 1 मोल Cl2 के, बट अवर नीड इज 1 आप। अगर 1 मोल Cl2 को आप डिसोशिएट करना चाहते हो तब आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 242। सो फॉर द 1 आप आधे के लिए आप हो जाएगी 242/2, दैट इज 121 किलो जूल पर मोल। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, दिस सोडियम गैस 1 मोल सोडियम गैस आयोनाइज कन्वर्ट इनटू सोडियम प्लस आयन इन अ गैस फॉर्म, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी विच यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर नंबर 3। यहाँ पे होगा सोडियम का आयोनाइजेशन, आप सबको मालूम है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, आयोनाइजेशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। हाँ, किसको, किसी को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, किसी को कम देनी पड़ेगी, बट देनी पड़ेगी, दैट इज़ ओके। सो ये भी डेल्टा आई एच, ये भी दोस्तों कैसी होगी एंडोथर्मिक, उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज 496 पर्टिकुलर फॉर दी सोडियम। चलो सोडियम सॉलिड टू सोडियम गैस, सोडियम गैस टू सोडियम प्लस 1 आयन गैस, Cl टू गैस टू Cl गैस, Cl गैस से क्या होगा, Cl गैस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन विच इज डोनेट बाय सोडियम बिकम सोडियम प्लस, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके उसकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी की हेल्प से हमको क्या मिलेगा, Cl माइनस आयन गैसियस आयन मिलेगा। ठीक है, और आपको मालूम है मेजोरिटी केस में, नॉट इन ऑल केस बट इन द मेजोरिटी केस, इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी इज नेगेटिव, सो ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। कितनी है, दैट इज 348.6, सो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 348.6 बिकॉज दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अभी दोस्तों वी हैव 1 मोल ऑफ Cl माइनस आयन एंड 1 मोल ऑफ Na प्लस, जब भी दोस्तों 1 मोल ऑफ Cl माइनस एंड 1 मोल ऑफ Na प्लस एक दूसरे के साथ जॉइंट हो गए, क्रिस्टल बनाए गए, जो हमने विद द क्रिस्टल 3D मॉडल के साथ मैंने आपको समझाया था, तब वो एनर्जी क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। एक मोल NaCl लेटिस बनेगा, एक मोल Na प्लस आयन, एक मोल Cl माइनस आयन गैस फॉर्म एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके एक मोल NaCl सॉलिड लेटिस बनाएंगे, और तब जो एनर्जी होगी दैट इज लेटिस एंथैल्पी। वो लेटिस एंथैल्पी है कितनी होगी, माइनस नियर अबाउट माइनस 788। और ये दोस्तों सभी स्टेप को अगर हम कंबाइन करें, दैट फ्यूजन एंथैल्पी फॉर द NaCl इज डेल्टा सब्लिमेशन एच फॉर द सोडियम, देन डेल्टा D/2H फॉर द 1 ऑफ Cl2, देन डेल्टा IH फॉर द Na गैस टू Na प्लस गैस, डेल्टा EgH दैट Cl गैस टू Cl माइनस गैट, देन डेल्टा लेटिस एंथैल्पी दैट इज Na प्लस Cl माइनस टू NaCl सॉरी। और यहाँ पे दोस्तों इन सबका सम, इस सबको सम कर एज पर एज हैज रूल, सो वी कैन से टोटल फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम सॉलिड इज नियर अबाउट 411 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे मैंने इसको राउंड ऑफ दोस्तों कर दिया। अभी एक बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे दोस्तों आपको ये याद रखना है, दिस इज लेटिस एंथैल्पी विच इज अवर टॉपिक। अभी दोस्तों हमारी लेटिस एंथैल्पी पे आते हैं, हम ये कह रहे थे यहाँ पे ये प्रूव हुआ दैट इफ 1 मोल ऑफ सोडियम गैस आयन एंड 1 मोल ऑफ सोडियम Cl माइनस आयन कंबाइन विच ईच अदर एंड फॉर्मेट 1 मोल ऑफ NaCl सॉलिड, तब वो 788 किलो जूल जितनी एनर्जी रिमूव करते हैं। मतलब अभी हमारे पास सपोज 1 मोल NaCl सॉलिड है ऑलरेडी, और यहाँ से रिवर्सिबल ये दोनों चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, जितनी एनर्जी रिमूव की थी उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। सो हम जनरल केस में जब भी लेटिस एंथैल्पी की बात करेंगे तब यही समझना है दैट सोडियम टू इट्स गैसियस आयन, सॉलिड टू इट्स गैसियस आयन, किसी भी कंपाउंड के लिए, किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए जब भी लेटिस एंथैल्पी की बात होगी तब हमको ये नहीं समझना है दैट फ्रॉम द गैसियस आयन फॉर्म टू द सॉलिड, फ्रॉम दिस सॉलिड फॉर्म टू दी गैसियस आयन। सो मेजोरिटी केस में ये वैल्यू हमको कैसी मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी, एंडोथर्मिक ही मिलेगी, बिकॉज हमारे पास जब वो सोडियम क्रिस्टल NaCl क्रिस्टल बना या फिर एनी अदर आयोनिक क्रिस्टल बना तब क्या होते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल गैसियस आयोनिक मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं और तब वो एनर्जी रिमूव करके बने हैं। इट मीन्स अगर फिर से वहाँ जाना है तो हमको फिर से उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। जब भी लेटिस एंथैल्पी की बात आती है आपको दिमाग में यही आना चाहिए दैट किसी भी आयोनिक क्रिस्टल से उसके
कॉन्स्टिट्यूंट गैसियस आयन तक जाना है और उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज लैटिस एंथैल्पी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट लैटिस एंथैल्पी। चलो लैटिस एंथैल्पी पढ़ी, उसके बाद दोस्तों शॉर्ट में मैं आपको और एक एंथैल्पी समझाने जा रहा हूँ, दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसको भी शॉर्ट में समझना है दोस्तों। तो व्हाट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी, सपोज किसी भी तरह का, सपोज ये NaCl को हम वाटर के अंदर डालते हैं, NaCl रेडी टू आयोनाइज इन वाटर Na+Cl-, बट एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, Na+Cl- में एक्चुअली ये इनको कवर अप किया, Cl- को कवर अप करता है, कौन करते हैं H2O के एच पोर्शन बिकॉज ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन। Na+ को कवर अप करते हैं अगेन H2O के मॉलिक्यूल, बट कौन से मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बिकॉज ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, ये आपको मालूम है। सो किसी भी आयोनिक सॉलिड को जब भी उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, पर्टिकुलर इन दी वाटर सॉल्वेंट, एज अ सॉल्वेंट हम जब वाटर लेते हैं तब दोस्तों वो मॉलिक्यूल के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल अटैक करते हैं और जल्दी से, जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होने के लिए एनर्जी रिमूव करने के लिए तैयार है, सिमिलर केस दे आर रेडी टू रिमूव एनर्जी टू ज्वाइन विद NaCl, वहाँ पर परमानेंट बॉन्ड नहीं बन सकता, बस उसका हाइड्रेशन हो सकता है। सो टू आयोनाइज, सॉरी हाइड्रेशन ऑफ द आयोनिक कंपाउंड बाई दी H2O बाई दी सॉल्वेंट, वो क्या करेंगे, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमूव करेंगे, दैट एनर्जी इज नॉन एज अ हाइड्रेशन एंथैल्पी। और दोस्तों ये दोनों हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी, इन दोनों का सम करोगे देन यू विल गेट सॉल्यूशन एंथैल्पी। अगर इसके लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है, इफ सॉल्वेंट इज H2O, अगर सॉल्वेंट H2O है, सपोज कोई दूसरा सॉल्वेंट है, देयर इज एज अ सॉल्वेंट H2O नहीं है, सो उसका भी कुछ ना कुछ ऐसा नेचर रहेगा जो अपने सॉल्यूट के ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे, उसकी एंथैल्पी। बट यहाँ पे हमने ये समझ के लिया है सॉल्यूशन जब बना रहे हैं तब सॉल्यूशन सॉल्वेशन हम H2O में ही कर रहे हैं और जो हमारे पास सॉल्यूट है दैट सॉल्यूट वो आयोनिक कंपाउंड ही है, ऐसा मान के हम चल रहे हैं, आयोनिक कंपाउंड का सॉल्वेशन कर रहे हैं इन दी H2O। तब दोस्तों ये लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रोजन एंथैल्पी, इन दोनों का सम करोगे यू विल गेट सॉल्वेशन एंथैल्पी, समझने जा रहे दोस्तों। क्या होगा, हमारे पास ए बी सॉलिड है, वो ए बी सॉलिड को हम वाटर में सॉल्वेंट में डालेंगे, क्या बनेगा A+B-, उसके साथ एट्रैक्शन होगा किसका, H2O का, दैट एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसको अलग करने की एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी, इन दोनों का सम, दैट इज A+ aqueous एंड B-aqueous, बिको एक्वेयस इट मीन्स एज ए सॉल्वेंट H2O इज देयर। अभी इससे पता चलेगा कि कोई आयोनिक सॉलिड को हम डायरेक्टली H2O में सॉल्यूबल कर सकते और किसी को सॉल्यूबल नहीं कर सकते, क्यों ऐसा होता है, यू कैन सी दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस बताया था, इन मेजोरिटी केस फॉर दिस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ओवरऑल एंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव, मेजोरिटी केस ये इंडिकेट किया था, ज़्यादातर केस में किसी भी रिएक्शन को, ज़्यादातर केस में किसी भी रिएक्शन को अपने आप स्वयं स्पॉन्टेनियस होने के लिए उसका ओवरऑल एंथैल्पी चेंज क्या होना चाहिए, नेगेटिव। सपोज ये हमारा ए बी कंपाउंड है, ठीक है, दिस इज वाटर, यहाँ पे वाटर है एंड अवर ए बी इज आयोनिक सॉलिड A+B-, सपोज अभी इसकी जो लैटिस एंथैल्पी, मतलब जब भी ये जहाँ जैसे यहाँ पे Na+Cl- बने थे, जब भी ये A+B- एक दूसरे के साथ अटैच होके ए बी सॉलिड बने थे, जब भी बने थे इन पास्ट, तब सपोज उसने जो एनर्जी रिमूव की थी दैट इज 100 किलो जूल, जस्ट सपोज 100 किलो जूल पर मोल इतनी रिमूव की थी, सो जब ये दोनों को यहाँ से अलग करने हैं तब कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, मिनिमम 100+ देनी पड़ेगी, क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़े तब इतनी दे दिया, अब अलग करना तो उसकी एनर्जी वापस दो। और दोस्तों इसके ऊपर जब हाइड्रेटेड पार्टिकल अटैक करते हैं, जब इसका हाइड्रेशन हो रहा है, ड्यूरिंग हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, रिमूव होगी दोस्तों। जब भी हाइड्रेशन हो रहा है, सपोज एट द टाइम ऑफ हाइड्रेशन वहाँ से एनर्जी रिमूव हो रही है, ये तो हमको देनी पड़ेगी, इतनी देनी पड़ेगी, क्यों इतनी देनी पड़ेगी, क्योंकि जब एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए थे तब इतनी हमको मिली थी, अब वापस दो तभी ये अलग हो गए।
जब दोस्तों इसके ऊपर हाइड्रेटेड H2 अटैक करते हैं तब क्या करेंगे, वहाँ पे एनर्जी रिमूव होगी। सपोज अभी जो रिमूव हो रही है दैट एनर्जी इज़ 120 किलो जूल पर मोल। अभी इन दोनों का सम करोगे दैट इज -20 किलो जूल पर मोल। सो यहाँ से दो चीज़ पता चली दैट सॉल्वेशन एंथैल्पी ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज -20 किलो जूल पर मोल, दैट इज फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन वैल्यू इज नेगेटिव, इट मीन्स ये जो हमारा ए बी आयोनिक कंपाउंड है दैट इज सॉल्यूबल, इजिली सॉल्यूबल इन वाटर। वाटर में इजिली सॉल्यूबल है, आपको उसको हीट नहीं करना है, आपको उसको बाहर से कोई एनर्जी नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि उसको जो एनर्जी चाहिए टू ब्रेक डाउन इट्स क्रिस्टल, अपने क्रिस्टल को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट उतनी एनर्जी या फिर उससे ज़्यादा एनर्जी तो हाइड्रोजन से अपने आप ही मिल रही है, हाइड्रेशन से अपने आप ही मिल रही। सपोज हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ओनली 20 किलो जूल पर मोल, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज नॉट 120, दैट इज 20। सो एनर्जी रिमूव हो रही है बाय द हाइड्रोजन हाइड्रेशन बट कम हो रही है। सो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, ओवरऑल सॉल्वेशन एंथैल्पी इज +8, इट मीन्स दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो दोस्तों ये ए भी पूरी तरह से सॉल्यूबल नहीं होगे या फिर कम सॉल्यूबल होगे। अगर इसको ठीक से अंदर सॉल्यूबल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रोवाइड सम हीट, आपको इसको स्टीर करना पड़ेगा, ठीक से हिलाना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा, जब तक आप आउटर एनर्जी कितना उसको कितनी कहाँ तक ना दो, मिनिमम 80 किलो जूल पर वन मोल तक ना दो। अगर उससे ज़्यादा दे दी सॉल्यूबल हो जाएगा, बट उससे कम दी दैट कंपोनेंट इज नॉट सॉल्यूबल 100%, कुछ हद तक होगा क्यों, बिकॉज वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है। ओके सो अभी आपको कोई क्वेश्चन पूछे, एमसीक्यू पूछे, लॉजिकल एमसीक्यू पूछे दैट फॉर द गिवन आयनिक कंपाउंड लैटिस एंथैल्पी इज दिस मच, लैटिस एंथैल्पी इज दिस मच एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी इज दिस मच, सो दैट कंपाउंड इज स्पॉन्टेनियसली सॉल्यूबल इन वाटर और नॉट, और वी कैन से दैट कंपाउंड इज सॉल्यूबल इन वाटर और इनसॉल्यूबल इन वाटर, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। सो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जब भी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है विच इज़ नेगेटिव, और नेगेटिव होगी किससे ज़्यादा है, उसकी नेगेटिव वैल्यू लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा है जो पॉजिटिव है, मतलब उसको जितनी चाहिए उससे ज़्यादा अगर आप दे देते हो या फिर मिनिमम उतनी देते हो सॉल्यूबल होगा। बट दोस्तों लैटिस एंथैल्पी से अगर कम आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी है तो अपने आप सॉल्यूबल नहीं होगी, उसको सॉल्यूबल करना है तो आपको उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। दोस्तों फॉर दी NaCl जो लैटिस एंथैल्पी है डेल्टा एच, लैटिस एंथैल्पी फॉर दी NaCl दैट इज नियर अबाउट 788 किलो जूल पर मोल। सर यहाँ पे आपने नेगेटिव लिखी और पॉजिटिव क्यों कर दी, यहाँ पे हमने देखा था Na+Cl- आयन टू सॉलिड, हम सॉलिड टू आयन की बात कर रहे हैं। NaCl को अंदर डिकम्पोज करने के लिए मिनिमम इतनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी दैट इज 744 किलो जूल पर मोल, माइनस माइनस मीन्स वो जनरेट होगी, कितनी जनरेट होगी, -784। सो डिफरेंस कितना रहा, ओनली 4 किलो जूल पर मोल। दैट्स वाई दोस्तों जब भी आप वाटर में NaCl यानी कि नमक डालते हो तो वहाँ पे आपको उसको अलग से हीट नहीं करना है, आपको अगर उसको थोड़ा सा स्टीर वेल थोड़ा सा ठीक से आप हिलाते हो सो उसको जितनी एनर्जी, क्योंकि वहाँ पे गैप बहुत कम है, एक्चुअल में चाहिए 788 फॉर वन मोल बट उसमें से 744 फ्रॉम दी हाइड्रेशन एंथैल्पी मिल रही है, सो हमको अलग से कितनी देनी पड़ेगी, वेरी लेस, ओनली 4 किलो जूल पर मोल। सो अब ठीक से हिलाओ या फिर थोड़ा सा हीट करो, आपका NaCl वाटर में इजीली सॉल्यूबल हो जाएगा। सो अभी आपको ये पता होना चाहिए जितने भी कंपाउंड जितने भी आयोनिक सॉल्यूशंस वाटर सॉल्यूबल है तो वहाँ पर हमको ये पता होना चाहिए उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी तभी वो इजी सॉल्यूबल है। जितने सॉल्यूबल नहीं है H2O में सॉल्यूबल करने के लिए बहुत दिक्कतें आ रही है, तब हमको ये समझना है उसकी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है, उसको ब्रेक डाउन करें उतनी एनर्जी हमको फ्रॉम दी सॉल्वेंट नहीं मिल रही है, सिंपल। ओके सो दोस्तों ये लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट एंथैल्पी और वी कैन से एंथैल्पी ऑफ दी रिएक्शन पढ़ा है, वीडियो रिपीट करना है, बारी बारी से देखना है, फिर जाके आगे के लेक्चर के प्रिपरेशन में आपको ये यूजफुल हो सकता है, ठीक है। इन अवर नेक्स्ट लेक्चर हम दोस्तों कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं जो पीछे के टॉपिक्स के भी है, रिसेंट एक दो लेक्चर के टॉपिक के भी है, सबको एक साथ
कैलकुलेट करेंगे। सो फॉर दैट आपको क्या करना है, आगे जितने भी लेक्चर पढ़े, जितने भी फॉर्मूलाज थे, वो सभी फॉर्मूला को एक बार रिवाइज करके नेक्स्ट वीडियो देखना है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।